जैसे आज हम आप सब बैठे हैं ऐसे ही नैमिषारण्य पर सोनकादि 88,000 ऋषि विराजमान थे। सूत जी ने पूछा, सूत जी से पूछे सोनक ऋषि, कहा महाराज हम घोर अंधकार में पड़ रहे हैं और आगे भी कलिकाल आने वाला है तो और अंधकार बढ़ जाएगा। ऐसा कोई हमें ज्ञान, ऐसा कोई सत्संग हमें सुनाइए जिससे हमारी आत्म में आनंद आ जाए। और आपके पास तो इतना ज्ञान है, अज्ञान द्वांत विद्वंसा कोटि सूर समप्रवा सूत ख्याई कथा सारम मम कर्ण रसायनम। प्रभु आपके पास तो इतना ज्ञान है, ज्ञान नहीं अज्ञान नाश करने के लिए आप सूर्य के समान आपका ज्ञान है, और उस ज्ञान की एक जो एक किरण भी अगर हम जैसे अज्ञानियों में पड़ जाए तो हमारा जीवन उद्धार हो जाए। प्रभु हमें कोई ऐसी बात सुना। और अब ये कलिकाल आ रहा है, कलिकाल में जैसे जैसे कलिकाल बढ़ेगा वैसे वैसे पापाचार भ्रष्टाचार देख ही रहे हो क्या क्या हो रहा है। तो प्रभु एक और बात है, चिंतामणि और सत्संग में बहुत अंतर है, भगवान के नाम में बहुत अंतर है। क्योंकि चिंतामणि आपको थोड़ा सा सुख दे सकती है, लोक सुखम, उससे आप जो मांगोगे वो आपको देगी। एक सेठ जी को चिंतामणि मिल गई या कल्प वृक्ष मिल जाए, ये वो मांगेगे जो आप मांगोगे वो आपको देगी। एक सेठ जी कहीं जा रहे थे और रास्ते में जाते जाते उनको एक वृक्ष की घने वृक्ष देखा और उसमें से उनका विचार आया कि बहुत थक गए हैं, थोड़ी देर आराम हो जाए। और जैसे ही सोए, सोने के बाद मन में आया कि भूख बहुत लग रही है, और जिस वृक्ष के नीचे सोए थे वो वृक्ष जो है कल्प वृक्ष था। मन में आया कि 56 भोग आ जाए तो सामने से 56 भोग की थाली आ गई। अब जब जैसे ही 56 भोग पाके सोए हैं और सोने के बाद मन में ये आया कि बढ़िया अगर यहाँ सेठानी होती तो क्या हमारे हाथ पैर दबा रही होती, या फिर कोई, तो अब सेठानी तो थी नहीं तो दूसरी कल्प वृक्ष है दूसरी भेजती। और वो जैसे ही हाथ पैर दबाने लगे, अब इतने में इनके मन में ये विचार आया कि ऐसा तो नहीं इस वृक्ष के पीछे कोई प्रेत हो और ऐसा ना हो वो मुझे खा जाए। अब वो तो कल्प वृक्ष था, उसमें से प्रेत निकला और प्रेत ने सेठ जी को खा लिया। तो ये तो बात हुई साधारण कल्प वृक्ष की। साधारण जो कल्प वृक्ष है वो ये नहीं देखता कि आपको आपके हित में है अनहित में है, ये नहीं देखता। लेकिन ये जो भागवत रूपी कल्प वृक्ष है ये आपको वही देगा जो आपके लिए हितकर है। और ये भागवत कपट को पटक लगा देती है। अगर कपट मन से आप सोचोगे कि हम भागवत करा रहे हैं उसके बुरा हो जाए तो ऐसा नहीं होगा। ये आपके लिए जो श्रेयस्कर है, जो आपके लिए हितकर है वही आपको देगा। प्रयच्छते गुरुतो प्रीते वैकुंठम योगी दुर्लभम। अगर गुरुदेव की कृपा हो जाए तो वैकुंठ भी सुलभ हो जाता है। इस प्रकार से गुरुदेव को प्रणाम किया और कहा कि काल व्राल मुख ग्रासा त्रासा निन्नाते है तब। कहने लगे महाराज जी हम सब काल के गाल में जा रहे हैं, आज नहीं तो कल सबको काल के गाल में जाना है। जैसे एक अजगर मुख फाड़ के बैठा रहता है ऐसे ही हमारा हमारे लिए भी काल जो है मुख फाड़ के बैठा है। हम जिंदा कब तक हैं? हम जिंदा तब तक हैं जब तक वो अपना मुख बंद नहीं करता। और जिस दिन उसने मुख बंद किया सो गोविंदाय नमो नमः। तो इसलिए प्रभु ये काल के गाल से हमें बचाइए। और प्रभु श्रीमद भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण बात, कह दिया कि प्रभु हमें भागवत का ज्ञान। इस प्रकार से बात हुई। अब सूत जी महाराज ने कहा चिंता न करो, हम तुम्हारे लिए ऐसा ज्ञान सुनाएंगे कि जिससे जो परीक्षित को सुनाई थी सुखदेव मुनि ने वही भागवत जी हम तुम्हें सुनाएंगे। सूत जी महाराज कहने लगे जिस समय परीक्षित को सुखदेव मुनि कथा सुना रहे थे और जैसे ही कथा सुनाना प्रारंभ किया तो देवता लोग स्वर्ग का कलश लेकर आ गए। जैसे ही कलश लेके आए
और कहा महाराज हमको जैसे ही मालूम हुआ कि परीक्षित को श्राप मिल गया है 7 दिन में मरने का, तो हम तुरंत एक अमृत कलश लेके आए। ये कलश आप उसको पिला, कलश से अमृत आप उसको पिला दीजिए और इस अमृत का प्रभाव ये हो जाएगा कि वो मरेगा नहीं। वाह, परीक्षित जी के बारे में यह सुने सुखदेव मुनि ने कहा अरे ठगियाओ, कहां तुम्हारा ये अमृत जो है कांच का टुकड़ा और कहां ये हमारा भागवत जो है अमृत के समान। जैसे किसी कोई कहे कि भैया तुम्हारी ये जो सोने की चैन है ये हमें दे दो और हमारी घड़ी ले लो, तो उनने कहा भैया तुम्हें पता नहीं सोना कितना महंगा चल रहा है और तुम घड़ी के बदले में सोने की चैन लेना चाहते। तो अमित भैया ने कहा महाराज ये चैन भी ये घड़ी भी सस्ती नहीं है, 55,000 की है, रोलेक्स की है। कहले दोनों की बराबर ही है, तो बराबर होवे तब तो अदला बदली हो सकती है, लेकिन चैन जो है 40,000-50,000 की हो और घड़ी 2,500 की हो तो कहां से बदला। तो सुखदेव परीक्षित कह रहे हैं सूत जी महाराज कि सुखदेव मुनि ने डांटा देवताओं को और क्या कहा, क्वा काचा क्वा मणिर महान, कहां तुम्हारा ये कांच का टुकड़ा और कहां हमारी ये भागवत अमृत के समान, समझौता हो ही नहीं सकता। ब्रह्म रात्रो विचारैव तदा देवंजासा, ब्रह्म रात कहा है सुखदेव मुनि को, उनने विचार किया ना ददौषा कथा मृतम, और देवताओं को कथा नहीं दी, डांट के भागा, डांट के भगाए हैं। और इधर अब मन में इनके देवताओं के आया कि ऐसा कौन सी कथा है, कौन सा प्रसंग है कि जिसके माध्यम से ये हमें पिलाना नहीं चाहते, हमें सुनाना नहीं चाहते। सब गए ब्रह्मा बाबा के पास, कहे महाराज जी हमारी समस्या का समाधान करें। राज्ञो मोक्ष तदावेक्षम पुराधात दिविस्मिता सत्तलोके तुलं बद्ध्वा तौलय साधनन्यजा। सत्तलोक में गए और ब्रह्मा जी ने क्या किया, दो तराजू लगाए, एक तराजू में तो सारे साधन रखे हैं और एक तराजू में क्या देखा, एक तराजू में जो है इधर भागवत जी रख दी, सारे साधन रख दी। विचार आया क्या करें, तो क्या देखते हैं कि श्रीमद् भागवत का जो पल्ला है वो एकदम नीचे झुक गया और सारे शास्त्र जो है वो एकदम ऊपर उठ गए। लघुन्यानि जातानि गौरवेण इदम् तदा ऋषि गणा सर्वे विस्मयम् परमम्। सारे देवता और ब्रह्मा बाबा सब विस्मय हो गए, जैसे ही भागवत की महिमा देखी ब्रह्मा जी ने, ब्रह्मा जी कहने लगे मैंने भगवतम रूपम, अरे ये भागवत कोई साधारण नहीं है, प्रत्यक्ष ही कृष्ण है, भी ये भागवत साधारण नहीं है, ये भागवत साक्षात कृष्ण है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की।